मैनपुरी से ताजा ताजा सर्वे हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी या समाजवादी कौन है बाहुबली, मैनपुरी में क्या चल रहा है, नेताजी की कुर्सी विरासत कौन संभालेगा, नेताजी की बहू। बीजेपी तो पूरी ताकत के साथ मैदान में है भैया। नहीं नहीं, वो किसी तो की दाल नहीं गलेगी यहाँ पे है? सपा ही है यहाँ तो, सपा है सर, क्योंकि एक तरफ बहू है तो दूसरी तरफ उनका शिष्य है। बहू ही बेहतर है, नेताजी की बहू डिम्पल यादव संभाले। अच्छा एक बात बताओ, डिम्पल यादव या डिम्पल भाभी? डिम्पल यादव। नहीं नहीं, बाबा केवल बाबा। योगी जी बीजेपी। अच्छा ये बीजेपी कैसे आपके जहन में पहुंच गई? पिछले टाइम में यही यहाँ आप खड़े हो, पीछे वाले टाइम में क्या होता था, इतने टाइम में कोई खड़ा नहीं हो सकता था। भैया यहाँ गुंडे ही थे क्या पहले? नहीं, यहाँ गुंडे ही थे क्या? नहीं थी, नहीं थी। ये बता रहे यहाँ गुंडे ही थे। कौन कह रहा है? तो सब डिम्पल डिम्पल कह रहे हैं, आप गलत जगह खड़े ना। अभी आइए सर, ये हमारी पड़ेगा अलावा यहाँ पे किसी का वोट नहीं। मैनपुरी से ताजा ताजा सर्वे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उपचुनाव है। बीजेपी या समाजवादी कौन है बाहुबली, नेताजी के जाने के बाद में कौन संभालेगा मैनपुरी की कुर्सी, ये जानने के लिए रात के समय हम मैनपुरी में मौजूद हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, गांव का माहौल है, सामने ठेला है, ठेले पे मूंगफली है, दूसरी तरफ अंडे का दुकान है, अंडे के दुकान पर आदमी खड़े हैं और वो लोग जो है सामान खरीदने के लिए खड़े हैं। जान लेते हैं मैनपुरी में चल क्या रहा है, नेताजी के जाने के बाद कौन संभालेगा कुर्सी, क्योंकि एक तरफ बहू है तो दूसरी तरफ उनका शिष्य है। शिष्य तो बहू ही बेहतर है, यहाँ तो बहू को वो है, बहुत मिलेगा। ठेके की एक दुकान है क्या करीब में यहाँ? नहीं तो। अच्छा नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। और भैया क्या हाल चाल है? मैनपुरी में क्या चल रहा है, नेताजी की कुर्सी विरासत कौन संभालेगा? एक हाँ, नेताजी की बहू। नेताजी की बहू, नेताजी की बहू, बहू संभालेगी। लेकिन एक तरफ आप देखिए, नेताजी का शिष्य जो है रघुराज सक, जिनका नाम है, बीजेपी से हैं, वो हमको नहीं मतलब, हमारे तो नेताजी की बहू संभालेगी। आए भैया, भैया हम ठेला वाले। अरे तो तुम ठेला वाले हो तो क्या तुमको पता ही नहीं ना का भैया, नेताजी के बाद में विरासत कौन संभालेगा मैनपुरी की? डिम्पल यादव संभाले, या डिम्पल यादव भाभी ही में तो भाई भाभी है ना, भाभी है मतलब डिम्पल यादव या डिम्पल भाभी, कुछ भी समझो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। बीजेपी तो पूरी ताकत के साथ मैदान में है भैया। नहीं नहीं, वो किसी की दाल नहीं गलेगी यहाँ पे है? सपा ही है यहाँ तो, सपा है सर, सपा सपा सबका सपा कर देगी, सपा ही जलेगी यहाँ पे। विधानसभा में तो साफ हो गई थी, यहाँ से तो अखिलेश जी हैं, करैल विधानसभा से तो अखिलेश जी हैं, मैनपुरी से नेताजी। अरे दो सीट सपा की है, दो सीट बीजेपी की है। कितनी बड़ी बात है, आजमगढ़ में चुनाव हुआ, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार प्रसार के लिए वहां नहीं गए, लेकिन नेताजी की विरासत बचाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। बोला बोले अभी जीते हैं कौन? डिम्पल खड़े भाई है ना, अभी देखना उनको वोट पड़ना है डिम्पल को। अच्छा एक बात बताओ, डिम्पल यादव या डिम्पल भाभी? डिम्पल यादव, यादव हमारे तो बहन जी लगेंगी ना, हमारे इलाके की हैं वो, अब वो हमारे वो मर गए, उनके पिताजी क्या नाम, वो मुलायम सिंह उनका नाम था, खत्म हो गए यादव, हाँ मुलायम सिंह यादव खत्म हो गए। वो तो अखिलेश के पिताजी हैं, डिम्पल के ससुर हैं, हमारा पूरा सीट है उनका लिए, पूरा समर्थन हमारा ही है, इस बार उनका ही वोट पड़ना है, देखना इस बात को। डिम्पल बाबा ने रोजगार दे दिया है, कुछ नहीं किया लगता है, तो कुछ नहीं किया है, गौशाला दे दिए बाबा, और क्या चाहिए, सब सब वापस ले लिया, किसान को बर्बाद कर दी, किसान को दो
आज रात 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 भर खेतों में सोता है। डकैती खत्म हो गया है, डकैत लोग गायब हो गए, गुंडा लोग पाताल चले गए। यार भाई कुछ भी करो उनका ही इस बात उनको ही समर्थन सबको देना, देखना इस बात को पूरा को अपने जो डिंपल यादव खड़ी हो रही हैं उनको ही समर्थन सबका मिलेगा। डिंपल उनको यहाँ से कौन बोलेगा बाबा? अरे बाबा राजधानी लखनऊ में है, कहाँ उनको यहाँ मैनपुरी में ला रहे? ये नेताजी की विरासत या नेताजी का जो है क्षेत्र है? नहीं नहीं बाबा, केवल बाबा योगी जी बीजेपी। अच्छा ये बीजेपी कैसे आपके जहन में पहुंच गई? जहन में ऐसे पहुंच गई, पिछले टाइम में यही यहाँ आप खड़े हो, पीछे वाले टाइम में क्या होता था, इतने टाइम यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता था भला आदमी कोई। ये था अच्छा समाजवादी के कार्यकाल में कोई और खड़ा नहीं हो सकता था, इतना गुंडई वो चीज नहीं है। हाँ यहाँ से नहीं था आम जनता। अच्छा यहाँ से कोई और नहीं खड़ा हो सकता था? रात के टाइम इंसान सेफ फील नहीं करता था यहाँ पे। अच्छा, खुल के बताओ ना कि रात में सुरक्षा में नहीं थी, दूसरे सरकार में इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गया है। यही बस, लेकिन गोली की आवाज भी नहीं आ रही होगी। लोग क्या सोच रहे हैं भैया? सोचने की आवाज है, आपको आइडिया लग गया होगा। ये तो सब डिंपल डिंपल कह रहे हैं, तो आप गलत जगह खड़े ना। अभी आइए सर, चलिए उस तरफ वहाँ पे। अच्छा ऐसा भी है क्या कि हम गलत जगह खड़े हैं? खड़े हुए ना। अच्छा हम ये चौराहा के उई पार चले जाएं? चलिए फिर आपको उई पार चले जाएं तो उधर बीजेपी बाबा बस, और ई पार आ जाएं सफल मस्त तक मिलेंगे आपको। ये कैसा उनका विचार सपा, तुम्हारा विचार बीजेपी है? बीजेपी कैसे घुसी आपके जहन? बीजेपी कैसे जहन में घुसी है? पहले आप यहाँ खड़े होके आप जो बातें कर रहे हो इससे सेम 6 साल पहले जब सपा सरकार थी यहाँ कोई सिंगल आदमी खड़ा भी नहीं सकता था। ये ठेले वाले बताएंगे आपको, यहाँ ठेला लगाते थे जो ये लोग गुंडई थी क्या? ये पैसे तक नहीं देते यहाँ के लोग, इतनी गुंडई थी ये ठेले वाले बताएंगे आपको। ऐसी कोई बात नहीं जो ये बता रहा है, ये वो हमारे विचार हैं। हवा हवाई बता रहे का क्यों भैया? यहाँ गुंडई थी क्या पहले? यहाँ गुंडई थी यहाँ सपा सरकार भैया? यहाँ गुंडई थी क्या पहले? नहीं भैया यहाँ गुंडई थी क्या पहले? पहले पहले गुंडई थी क्या यहाँ? अरे भैया यहाँ गुंडई थी क्या पहले? यहाँ गुंडई थी आप नहीं बोलेंगे? यहाँ गुंडई थी क्या? नहीं थी, नहीं थी। ये बता रहे यहाँ गुंडई थी? कौन कह रहा है? वो सामने खड़े के बता रहे गुंडई चलता था पहले? नहीं थी। गजब है यार, पता नहीं कब कैमरे पे खड़े होकर कुछ भी बोल जाएंगे। लेकिन मैनपुरी के लोग समाजवादी बीजेपी दोनों की लड़ाई टक्कर की है। अब मैनपुरी कौन संभालेगा और मैनपुरी का सांसद कौन होगा ये वक्त बताएगा। आप देखते रहें 24 तक न्यूज़।